अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टुडे टॉपिक में आपको एक बड़ी खबर देता चलूं। ईद उल अज़हा पर कितनी छुट्टियां होंगी, वफाकी हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा के लिए सरकारी तातीलात का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक हफ्ते में 5 दिन हफ्ता इतवार तातील खुले रहने वाले दफातार में 29 और 30 जून को छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 दिन इतवार तातील खुले रहने वाले दफातर में 29 जून से 1 जुलाई तक छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल अज़हा के लिए हफ्ते में 5 दिन खुले रहने वाले दफातर में ईद पर 2 रोज़ जबकि 6 दिन इतवार तातील खुले रहने वाले दफातर में 3 रोज की तातील का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 29 जून को होगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में ज़िलहज 1444 हिजरी का चांद नज़र आ गया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था कि इत्तेफाक राय से फैसला किया गया कि यकुम ज़िलहज 1444 हिजरी 20 जून बरोज मंगल को होगी और ईद उल अज़हा 29 जून बरोज जुमेरात को होगी। दूसरी जानिब एक रोज़ कबल सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नज़र आ गया था। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 27 जून मंगल को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 28 जून को मनाई जाएगी। इसके अलावा दुबई समेत खलीजी ममालिक में भी ईद उल अज़हा 28 जून को मनाई जाएगी। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।